रहीसी कैसी की आप देखकर हो जाएंगे तंग। इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक नोटों के साथ खेल रहा है, साथ ही साथ नोटों को टॉयलेट में फ्लश कर रहा है। इस मामले में इंदौर के एक वकील सूरज उपाध्याय ने आईजीपी और डीआईजी को शिकायत कर इसे भारतीय मुद्रा का अपमान बताते हुए केस दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है। सूरज उपाध्याय ने बताया कि इंदौर के कनाडिया निवासी फैसल पटेल नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें वो एक होटल में 2000 और 200 के नोट उड़ा रहा है और टॉयलेट में फ्लश कर रहा है। ये भारतीय मुद्रा का अपमान है, इस मामले में देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। मामला ये है कि मेरे पास दो वीडियो आए जो फैजल पटेल वैभव नगर कनाड़िया का संभवतः रहने वाला है उसने खुद उसके इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं। दोनों ही वीडियो बड़े विवादित हैं। उसका जो उसने खुद ने डाल रखा कि ये होटल मेरिट्स के वीडियो हैं, उसमें वो भारतीय मुद्रा मतलब 2000 रुपए के नोट 200 के नोट उड़ा रहा है, उनके ऊपर लात रख रहा है और तो टॉयलेट के अंदर भी नोट डाल रहा है। तो ये मामला सीधा सीधा भारतीय मुद्रा के अपमान का है जो देशद्रोह से जुड़ा है। इसमें धारा 124A की कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेकर मैंने आईजी महोदय योगेश देशमुख जी को एक आवेदन दिया है और डीआईजी साहब को दिया है। आईजी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी उसमें केस दर्ज करके कार्रवाई करवाएंगे। इस मामले में डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि मामले की शिकायत आई है, इसमें जांच की जाएगी कि नोट असली है या नकली, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ है लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली है या नकली है। अगर असली नोट है तो ये मुद्रा का अपमान है, उसमें संबंधित थाना प्रभारी इस मामले की जांच करेंगे और संबंधित व्यक्ति की पहचान करके उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ज्यादा पैसा भी इंसान का दिमाग खराब कर देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला। हालांकि युवक पुलिस के शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है, अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट।